देखिए, नमस्कार, आपका एक बार फिर से राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आंतरिक ऊर्जा में कांस्टेंट वॉल्यूम पर परिवर्तन को बता चुका हूं। इस वाले में बात करूंगा चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में होने वाले ऊष्मा परिवर्तनों को प्रदर्शित करने के लिए एक ऊष्मागतिक फलन एच का यूज किया जाता है, कैपिटल एच, जिसे एंथैल्पी या कंप्लीट हीट चेंज कहते हैं, पूर्ण ऊष्मा भी कहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर तंत्र की ऊष्मा ऊर्जा को ही एंथैल्पी कहते हैं। देखो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम था, मतलब कि स्थिर आयतन था, तब तंत्र की ऊष्मा को आंतरिक ऊर्जा के इक्वल ले रहे थे, लेकिन यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो तंत्र की ऊष्मा को किसके रूप में मान रहे अपन, एंथैल्पी के रूप में। ये एक नई टर्म है। एंथैल्पी का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एच बराबर ई प्लस पी वी, होल इज कैपिटल। इसको कहते हैं मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, अब आप लोगों को अभी पढ़कर आए, ई क्या था, ई था आंतरिक ऊर्जा, यह भी स्टेट फंक्शन था, स्टेट फंक्शन है, आयतन स्टेट फंक्शन है। जब तीन ही स्टेट फंक्शन है तो स्टेट फंक्शन का योग भी क्या रहेगा, अगला स्टेट फंक्शन ही होगा ना। तो देखिए, ये एच भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन ही होगा। अब देखिए, ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं चेंज इन एंथैल्पी के रूप में लिख दूं तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी। डेल्टा बाहर है तो एक बार इसके रेस्पेक्ट में पी को कॉन्स्टेंट करके, वी के रेस्पेक्ट में, वी को कॉन्स्टेंट करके पी के रेस्पेक्ट में मैंने इसका क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। ये इक्वेशन नंबर टू होगी। मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर की, एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो उसमें परिवर्तन क्या रहेगा, जीरो। इसलिए एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए, तो क्या बचा मेरे पास, मैंने इसकी जीरो रखते हैं, पूरी की पूरी टर्म जीरो होगी। तो देखिए, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डॉट डेल्टा वी, इक्वेशन नंबर तीन। गॉट इट? फ्रॉम दी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ क्या था थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। कॉन्स्टेंट, यहाँ पर कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूँ तो क्यू को किसके रूप में लिख दूँ, क्यू पी के रूप में। अब डब्ल्यू क्या होता, पी डॉट डेल्टा वी। मान रखने पर डेल्टा ई बराबर क्यू पी माइनस पी डॉट डी वी, इक्वेशन नंबर चार। इक्वेशन नंबर चार की वैल्यू, इक्वेशन नंबर चार से डेल्टा ई की वैल्यू किस में रख दूँ मैं, इक्वेशन नंबर तीन में। तो देखो, फ्रॉम द इक्वेशन फोर एंड थ्री, देखिए डेल्टा एच बराबर क्यू पी माइनस पी डॉट डी वी प्लस पी डॉट डी वी डेल्टा ई। हाँ, देखिए पी डी वी से पी डी वी कट गया, बचा गया डेल्टा एच क्यू पी। इट मीन्स, अतः स्पष्ट है कि कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होती है। गॉट इट? एंथैल्पी का मान सिस्टम के टेम्परेचर एंड प्रेशर का फंक्शन होता है। एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आंतरिक ऊर्जा किसका था, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का। गॉट इट? वो याद रखना, उससे तुलना चल रही है, रटना मत इसको, एनालिटिकल बने रखना। देखिए, अब मैंने इसका अवकलन कर दिया, डी एच बराबर, अब यहाँ पर दो फंक्शन है तो एक को कांस्टेंट रखते हो दूसरा करूँगा, तो एक कांस्टेंट रहेगा, दूसरा अवकलन क्या होगा, आंशिक अवकलन, डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी डॉट डी टी। पहले मैंने प्रेशर कांस्टेंट किया, प्लस डेल एच अपॉन डेल टी, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी डॉट डी पी। तो उसी कंडीशन में मैंने इसको कांस्टेंट किया और इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में मैंने क्या कर दिया, अवकलन, और ये बन गई इक्वेशन सिक्स। बट अपन कंडीशन क्या रख कर आए हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर में परिवर्तन इज इक्वल टू जीरो, देन पुट इट वैल्यू इन इक्वेशन सिक्स। सो एच इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी डॉट डी टी, ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी है, जीरो। गॉट इट माई पॉइंट? देखिए, ये क्वेश्चन बन गई। अब पांचवी क्वेश्चन क्या थी मेरे पास, उधर इक्वेशन फाइव क्या थी, डी एच इज इक्वल टू, अगर मैं इसको डेल्टा इज इक्वल टू क्यू पी कर दिया, अभी स्टेट फंक्शन है और ये पाथ फंक्शन है, अगर मैं इसकी इससे एक
पहले की स्टेप मान लूं, माना जाए मेरे पास था डी एच इक्वल टू डी क्यू पी, तो डी एच एच स्टेट फंक्शन था इसलिए इसका अवकलन किया जाता डेल्टा एच, और क्यू डी क्यू पी का अवकलन किया जाता क्यू पी ओनली क्योंकि पाथ फंक्शन है। तो अगर मैं इसके एक ऊपर की स्टेप भी मान लूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए तो डी एच इज इक्वल टू डी क्यू पी इक्वेशन 5 थी, कहाँ पर ही है। अगर मैं इसमें से डी एच इज इक्वल डी क्यू पी, डी क्यू पी क्या है अभी आया ना मेरा डी एच इज इक्वल टू ये साथ में ही आया। अब इसको इसको मैं एक दूसरे के इक्वल मान दूँ, क्या गया मेरे पास डी क्यू पी इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल टी इट कॉन्स्टेंट पी डॉट डी टी। अब मैं इस डी टी को इधर ला ले आता हूँ बराबर के इधर, तो डेल क्यू पी बाई डी क्यू पी बाई डी टी इज इक्वल टू, अभी डेल नहीं है डी हो गया डी एच बाई डी टी, इसमें मिसप्रिंट हो रहा डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन एच। समीकरण 8 है, इसमें जो एल एच एस है कौन सा पद डी क्यू पी बाई डी टी, कॉन्स्टेंट प्रेशर की अवस्था में सिस्टम का ताप यदि मैं एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाऊँ, देखो मैं एक केल्विन भी बढ़ा सकता हूँ एक डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ा सकता हूँ, बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को बताता है जिसे स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहते हैं इट मीन सी पी, तो टर्म किसको बता रहे सी पी। देखिए सी पी क्या गया डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, डेल टी है टी, सी पी का मान समीकरण 7 में रखने पर 7 कहाँ पर है ये नहीं ये, अगर मैं डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी की वैल्यू यहाँ रख दूँ क्या जाएगा सी पी, इट मीन्स डी एच बराबर सी पी डॉट डी टी आ जाएगा। अब मैं इसको जैसे आंतरिक ऊर्जा में किया था वैसे ही कर लूँ, तो तापमान माना कि मैंने ताप टी वन और टी टू पर सिस्टम की एंथैल्पी क्रमशः एच वन और एच टू हो, तो इन अवस्थाओं में उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर यह आ जाएगा इक्वेशन ये आगे 10 वहाँ भी 10 थी वापस 10 से 10 पर आगे। तो देखिए उपरोक्त समीकरण की सहायता से स्थिर दाब की अवस्था में संपर्क होने वाले परक्रमों में एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच की गणना की ही जा सकती है। उधर वाली इससे पहले वाला जो वीडियो में समीकरण 10 आई थी उसकी सहायता से स्थिर आयतन की अवस्था में परक्रमों में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना की जा सकती थी, इस वाले वीडियो में स्थिर दाब की कंडीशन रखी है मैंने, यहाँ पर संपन्न होने वाले परक्रमों में एंथैल्पी चेंज की गणना की जा सकती है। धन्यवाद।